Motorola, what are you guys doing? और मैं एक पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, जी हर महीने एक नया फोन ला रहे हैं, वो भी अच्छा फोन ला रहे हैं। इस महीने तो शायद दो फोन्स लॉन्च होने वाले हैं, उसमें से ये जो है ये पहला फोन है Moto G84। और क्या बताऊं दोस्तों, आई मीन द लुक्स ऑफ इट मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है, वाओ, जस्ट वाओ। पता चलेगा आपको आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। बट सिर्फ लुक्स ही नहीं, दो तीन और भी चीजें जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है G84 के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो देखते हैं, अच्छे भी लगते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट, डू इट राइट नाउ। बॉक्स अगर देखोगे तो उनकी जो एज सीरीज होती है, प्रीमियम सीरीज, उसके जैसा ही है। जी हाँ, एनवायरमेंट फ्रेंडली बॉक्स है, सो रिसाइकल्ड मटेरियल वगैरह इस्तेमाल किया हुआ है, लुक्स प्रीमियम इवन द बॉक्स। निकल गए, आई एम गोइंग टू शो यू द फोन, रुकिएगा उसके लिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल, ऑलराइट। 33 वॉट का चार्जर आता है, सो दैट्स नाइस, फास्ट चार्जिंग। याद रखिए दोस्तों, दिस फोन इज अंडर 20,000 रुपीज। जी अंडर 20,000 एंड यू आर गेटिंग क्वाइट अ लॉट। यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, जी हाँ, दैट्स अबाउट इट। लेट्स कीप दिस असाइड। वैसे केस आती है, बट केस जो है वो ऑलरेडी फोन के ऊपर लगी हुई है। आई एम गोइंग टू रिमूव दैट, कैप्चर एवरी डिटेल। ऑलराइट, देखेंगे कितने डिटेल्स दिखते हैं, वेट फॉर इट, लुक एट दिस फोन। जी ये बेसिकली विवा मैजेंटा कलर है, पैंटोन कलर ऑफ द ईयर, एंड इट लुक्स स्टनिंग। मतलब ये लिटरली फोन 35-40 हज़ार का लगता है, दैट इज हाउ गुड इट फील्स इन हैंड एंड लुक्स आल्सो। ये वेगन लेदर है, वैसे इसमें तीन कलर आते हैं, ब्लू, ब्लैक। ब्लैक में पीएमए में है, लेकिन ब्लू एंड ये जो कलर है इसमें आपको वेगन लेदर मिलता है। वेरी वेरी थिन एंड लाइट, आई मीन सीरियसली, Motorola पिछले कुछ दिनों से ना रियली गुड लुकिंग फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, एंड दिस इज प्रोबेबली एट द टॉप ऑफ द हीप। यहाँ इधर भी लिखा हुआ है कलर ऑफ द ईयर, ये देखिए, you can see that box के ऊपर भी था Motorola का logo है। Looks are very nice, flat sides हैं दोस्तों। Ports and buttons के बारे में बात करूँ तो 3.5mm jack है, microphone है, USB type C, speaker grill है right hand side में नीचे, दिया power on off button है and volume rocker है ऊपर। Then you also have noise cancelling microphone, Dolby Atmos लिखा हुआ है इधर। Left hand side में SIM card tray है, let's see, we will find out very soon। Alright, hybrid SIM card slot है, तो दो SIM card या फिर एक SD card and SIM card आप इस्तेमाल कर पाओगे। So expandable storage आता है, अगेन वेरी लाइट, मुझे तो लगता है अंडर 170 ग्राम्स होने वाला है ये। 169 170 ग्राम्स, लेट्स सी, 170.6 ग्राम्स, वाओ, वेरी वेरी लाइट। जी हाँ, ये पॉकेट फ्रेंडली फोन मैं कहूंगा, ज्यादा हेवी नहीं लगेगा दोस्तों। वेरी नाइस, इन हैंड फील इज ऑल्सो एक्सीलेंट। तो अगर एक्सटर्नल्स के बारे में बात करूं दोस्तों, दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग फोन। वैसे दोस्तों एनईजी ग्लास प्रोटेक्शन आता है, प्रोटेक्शन है या नहीं हम तो गिराएंगे आपके लिए, थोड़ा ज्यादा ऊपर से गिराते हैं। 1, 2 and 3, ओके, नथिंग आगे की तरफ, कुछ नहीं पीछे, तो वेगन लेदर है, कुछ होना तो नहीं चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, वेरी नाइस। वैसे दोस्तों अगर ये फोन आप लोगे तो डेफिनेटली क्लियर केस इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू शो दिस फोन, दैट्स फॉर श्योर। चलिए बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द फोन। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, इट इज 6.55 इंच FHD प्लस OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, एंड हाँ HDR का सपोर्ट आता है। लेकिन दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, HDR थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें, बट हाँ डिस्प्ले सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर बेजल्स के पास भी देखोगे, बहुत ही पतले बेजल्स है दोनों साइड में, ऊपर भी, इवन चिन इज स्मॉल। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जबरदस्त है इस फोन का, वेरी नाइस। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 1300 nits ब्राइटनेस है, इट्स क्वाइट ब्राइट एज वेल, ये देखिए, वेरी ब्राइट, सो दैट इज गुड। तो डिस्प्ले के बारे में डेफिनेटली बिग थम्स अप। अब दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Qualcomm Snapdragon 695 इस प्रोसेसर के ऊपर, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है, स्टेबल है, बट द बिग थिंग इज ये 12/256 वेरिएंट में आता है। जी हां, 8 नहीं, 12GB RAM एंड 256GB स्टोरेज अंडर 20,000 रुपीस। LPDDR4X RAM टाइप आती है एंड UFS 2.2 स्टोरेज टाइप आता है। 5000 mAh की बैटरी है एंड 33W फास्ट चार्जिंग। सो इवन दो प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, बट फिर भी दोस्तों अगर मल्टीटास्किंग वगैरह आपको करना है, 12GB RAM is going to definitely help you. 12GB RAM, 256GB storage. वैसे दोस्तों अगर अंतुतु स्कोर के बारे में बात करूं तो 4,20,000 के करीब आता है। We have seen that. Gaming अगर आपको करना है तो medium settings पे आप कर पाओगे, 40 FPS, 30-40 FPS आपको मिलेगा BGMI या फिर COD मोबाइल वगैरह आपने खेला तो। हाँ, तो आप गेम्स अच्छी तरह से खेल पाओगे, बट हाँ मीडियम सेटिंग्स। चलिए OS के बारे में बात करते हैं, एंड अगेन Motorola के फोन्स एक अच्छी चीज होती है दोस्तों, ब्लोटवेयर वगैरह नहीं होता है, क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिलता है आपको। सो दिस वन इज नो डिफरेंट, G84 में भी आपको क्लीन
एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलता है। वैसे वर्चुअल रैम आती है इसमें, 3GB वर्चुअल रैम आती है, थिंक शील्ड वगैरह आता है, मोटो सिक्योर का है तो आपको प्राइवेट फोल्डर्स वगैरह करने वो सब आप कर पाओगे। सो ऑल दैट इज देयर। अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं, आपको एंड्रॉइड 14 ये अपडेट मिलेगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट, सो 1+3। वैसे दोस्तों एज सीरीज के कुछ फीचर्स अब इसमें भी आ गए हैं। एक तो बॉक्स वगैरह तो है, लुक्स भी मैं कहूंगा बहुत सारा एज जैसे अब दिखने लग गया, अच्छे दिखते हैं। बट हाँ, इसमें और एक सॉफ्टवेयर फीचर आता है रेडी फॉर, जो प्रीमियम मोटोरोला फोन्स में आता है इसमें भी आता है। इसेंशियली अगर आपको कास्ट करना है बड़े स्क्रीन पे, इसे रेप्लीकेट करना है मोबाइल के स्क्रीन को, आप कर पाओगे वेरी इजीली, सीमलेसली। स्टैंड आउट मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस है दोस्तों, बट उसमें भी कैवियट है, वो बात करेंगे। डिस्प्ले इज एक्सलेंट, कलर्स वगैरह अच्छे हैं, पीओलेड बहुत अच्छा डिस्प्ले है, कलर्स अच्छे दिखते हैं, तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बट उससे भी ज्यादा इसका ऑडियो दोस्तों, स्टीरियो स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस ट्यून्ड है, उसकी वजह से लाउड है, क्लियर है। मल्टीमीडिया देखने में, नेटफ्लिक्स वगैरह देखने में आपको मजा आएगा। बट याद रखिए 695 प्रोसेसर होने की वजह से HDR आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो प्रोसेसर की लिमिटेशन। इवन ऑन द कनेक्टिविटी साइड, यू नो इट इज राइट अप देयर, मतलब 20,000 के नीचे मैं कहूंगा बेस्ट कनेक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि VoNR देता है, मतलब 5G कॉल्स वगैरह आपको करने, जैसे वोल्टी था बेसिकली 4G कॉलिंग था, इसमें आपको 5G कॉलिंग मिलती है। सो दैट इज देयर। मीमो का सब 4x4 मीमो वगैरह आता है, 14 5G बैंड्स है, तो सभी बैंड्स का भी सपोर्ट है, एवरीथिंग इज देयर। डुअल बैंड वाईफाई आता है, ब्लूटूथ 5.1 है, इवन NFC का भी सपोर्ट आता है। सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल देयर, बिग थम्स अप देयर एज वेल। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, यस पीओलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, ऑल ऑफ देम वर्क वेल, ऑल द सेंसर्स आर देयर including NFC. All right, let's talk about camera. Over a period of time, दोस्तों Motorola के phones are improving in camera. धीरे-धीरे जो next phones आ रहे हैं, उसमें हमें थोड़ा-थोड़ा improvement दिख रहा है. इसमें भी no different. एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो पीछे का camera setup है, that is a functional camera setup. आपको 50 megapixel का primary OIS camera मिलता है, and secondary ultra wide जो है, वो 8 megapixel का है. वो useless जो 2 megapixel के वगैरह होते हैं, वो नहीं है इसके अंदर. और जो ultra wide है, उसी से आप macro वगैरह shoot कर पाओगे, which is good. अब primary sensor के बारे में बात करूं, तो उसका low light performance अच्छा है, they have really improved on low light performance. Even colors वगैरह आप देखोगे तो अच्छे आते हैं, close to neutral colors आते हैं. Portrait मैं कहूँगा average है. Selfie के बारे में बात करूँ, 16 megapixel का selfie sensor मिलता है. Again अगर skin tones वगैरह के बारे में बात करूँ, they are close to neutral. Overall decent camera है, मैं कहूँगा above, slightly above average. जैसे मैंने कहा, cameras जो है वो improve हो रहे हैं on Motorola phones. और अगर आपको original quality में सब photos देखने हैं, जो हमने क्लिक किए हुए दोस्तों, G Drive की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट इन ओरिजिनल क्वालिटी. अब दोस्तों वीडियोग्राफी के बारे में बात करूँ, तो अगेन 695 Qualcomm Snapdragon 695 का जो एक लिमिटेशन है कि 4K नहीं शूट करता है, उसकी वजह से ये भी जो है रेयर में 1080p at 60fps शूट करता है, और आगे आपको 1080p at 30fps. That's videography. फीचर्स के बारे में बात करूं तो ड्यूअल मोड है, जी हाँ, आगे और पीछे का कैमरा आपको इस्तेमाल करना है फॉर फोटोज और वीडियोस, आप वो इस्तेमाल कर पाओगे. प्रो मोड आता है, पोर्ट्रेट मोड आता है, स्लो मोशन है, नाइट विजन मोड है, नाइट मोड जिसे कहते हैं वो है. बेसिकली जो स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं कैमरा में, सब आपको मिलते हैं. बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो FM रेडियो आता है इसके अंदर, IP54 का सर्टिफिकेशन है. अगेन अभी तक G सीरीज में IP52 मिलता था, अब IP54 सर्टिफिकेशन मिलता है, सो इट इज मोर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, दैट इज गुड. नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, सार वैल्यू आर विद इन लिमिट. तो दोस्तों व्हाट इज मोटो G84, इट्स अ लुकर, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा दिखता है, दिखने को बहुत अच्छा है. कनेक्टिविटी एंड मल्टीमीडिया जबरदस्त है, डिस्प्ले जबरदस्त है, परफॉर्मेंस कैमरा मैं कहूंगा कुड हैव बीन बेटर, बट फॉर द प्राइस इट ऑफर्स यू अ लॉट. मतलब ये 20,000 के नीचे आपको मिल रहा है, उस हिसाब से मैं कहूंगा, सभी चीजों के पास देखूंगा तो मैं कहूंगा डेफिनेटली यू शुड लुक एट दिस, अगर आप 20,000 का आपका बजट है तो. वैसे इसके ऊपर कुछ ऑफर्स वगैरह हैं स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूं, गो एंड चेक दैट आउट. और हाँ, और एक चीज अच्छी है दोस्तों, 12GB एंड 256GB मिलता है आपको, दैट इज गुड अंडर 20,000. तो चलिए दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब, डू इट राइट नाउ, बहुत सारे अनबॉक्सिंग आ रहे हैं दोस्तों, डू इट राइट नाउ. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.